हेलो स्टूडेंट, इसके पहले आप लोगों ने लवण पढ़ा था कि लवण क्या होता है। इसके बाद आप लोग ये जान ले सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो क्या बनता है NaCl, यानी कि ये क्या है, सॉल्ट है। यही एक ऐसा पदार्थ है, ये एक कच्चा पदार्थ है जिसे यूज़ किया जाता है और भी कुछ यौगिकों को बनाने के लिए। वो कौन कौन से यौगिक हैं जिन्हें बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहला कौन सा यौगिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पांच यौगिक आपको पढ़ना है, जिसका सामान्य नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, बनाने की विधि क्या होती है, गुण क्या होता है, उपयोग क्या होता है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम सामान्य नाम से क्या जानते हैं, कास्टिक सोडा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, तो आपको क्या बताना होगा, कास्टिक सोडा। और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH। अब बनाने की विधि इसको क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत प्रवाहित करने पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, यानी कि NaCl क्या है, सॉल्ट है। और इसमें और इसका जलीय विलयन बनाना है तो H2O जल ले लेंगे, और इसमें जब विद्युत प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं, तो ये क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और क्लोरीन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की ये विधि थी। और अब आपको इसका उपयोग खुद से लिखना है, साल्ट का क्या उपयोग है, यानी सोडियम क्लोराइड का क्या उपयोग है, हाइड्रोजन गैस का क्या उपयोग है, क्लोरीन का क्या उपयोग है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या उपयोग है। आप अपनी बुक से स्टडी करके कम से कम दो दो उपयोग सबका लिखिएगा। अब हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, सेकेंड यौगिक का नाम है विरंजक चूर्ण, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। किस नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक यानी कि केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसे बनाने की विधि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, क्लोरीन से, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और जल रिलीज होती है। ये जो CaOH क्या है, ये बुझा हुआ चूना है। बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाने पे हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है और जल बनता है। अब इसके गुण क्या है, पहला गुण क्या है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध आती है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका कलर जो होता है थोड़े हल्के पीले रंग का होता है, और इसकी जो महक आती है वो क्लोरीन की तरह आती है। अब विरंजक चूर्ण का सेकेंड गुण क्या है, जल में किसे, जल में इसे घोलकर, यानी कि CaOCl2 को घोलकर गर्म करने से क्लोरीन गैस निकलती है। यानी कि CaOCl2 को जल के साथ अगर गर्म कर दें, क्या कर दें, गर्म कर दें, तो हमने आपको ये बताया था कि जब गर्म करते हैं किसी चीज़ को, उष्मा देते हैं, वो जिससे बना होता है उसी में अपघटित हो जाता है। तो CaOCl2 किससे बना था, बुझे हुए चूने से और क्लोरीन गैस से बना हुआ था। तो जब हम इसको गर्म किए, उष्मा दिए, तो ये क्या हो गया, उसी में अपघटित हो गया। तो ये क्या बना, CaOH, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस, क्योंकि ये इसी से। तीसरा गुण देखिए क्या है, अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। CaOCl2 अम्ल के साथ, H2SO4 क्या है, अम्ल है, अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालती है। देखिए दोनों की अभिक्रिया करवाया तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि यहाँ से CA और SO4 ज्वाइंट हो गया, और यहाँ से H2O और यहाँ से क्लोरीन गैस रिलीज हो गई। अब फोर्थ गुण क्या है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस निकालती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड से भी अभिक्रिया करके क्या रिलीज करिए, क्लोरीन गैस, CA और यहाँ से C ऑक्सीजन, दो यहाँ है एक यहाँ है, तो क्या हो गया, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस रिलीज हुई। ये देखिए गुण तो हम चाहते हैं ये सिर्फ हिंदी ही लिखते हैं, बट हम रिएक्शन भी देते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम में रिएक्शन ही ज़्यादातर पूछता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि विरंजक चूड़ के या ब्लीचिंग पाउडर के पाँच गुण लिखिए, चार गुण लिखिए, ऐसा नहीं पूछता है, वो रिएक्शन ही देता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा, यदि विरंजक चूर्ण का कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाया जाए तो क्या बनेगा, यदि विरंजक चूर्ण का रिएक्शन H2O से करवाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऐसे रिएक्शन पूछता है। या फिर सिर्फ कंप्लीट करने के लिए दे देगा, ऐसे दे देगा आपको CaOCl2 प्लस H2SO4, इसे कंप्लीट करिए, तो रिएक्शन ही ज़्यादातर देता है। आपको ऐसे नहीं देगा कि आप गुणधर्म लिखिए, चार लिखिए या पाँच लिखिए, ऐसे नहीं देगा, आपको रिएक्शन ही लिखना होता है।
अब उपयोग है व्यंजक चूर्ण के उपयोग, तो जितने भी यौगिक होंगे योग्य उसके उपयोग हम नहीं लिखेंगे, उपयोग तो आपको खुद ही से स्टडी करके लिखना है, तो व्यंजक चूर्ण का भी उपयोग आप खुद ही से लिखिएगा। थर्ड यौगिक का नाम क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और रासायनिक सूत्र क्या है? NaNaHCO3। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। आप चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का है या सोडियम बाइकार्बोनेट का है, आपकी जो मर्जी। अब इसे बनाने की विधि क्या है? सोडियम क्लोराइड, क्या कहते हैं ये, एक कच्चे पदार्थ की तरह इन यौगिकों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। NaCl की अभिक्रिया H2CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की एक साथ अभिक्रिया कराए जाने पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है हमें। ये बनाने की विधि है। अब गुणधर्म क्या है, यानी कि इनके गुण क्या है बेकिंग सोडा के? पहला गुण है ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। बेकिंग सोडा आप लोग अपने घरों में देखे होंगे, जिसे आप लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, तो वो वाइट कलर का होता है और सफ़ेद रंग का, थोड़ा थोड़ा जैसे नमक का क्रिस्टल होता है दानेदार, वैसे ही होता है, उसे क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। दूसरा गुण इसका क्या है? इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, उसे जल में घोल दीजिए तो वो थोड़ा सा अम्लीय विलयन बनता है वो। और तीसरा गुण इसका क्या है? खाना बनाते समय गर्म करने पर विच्छेदित होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हमने बताया था गर्म करने पर कोई भी यौगिक हो, वो जिससे मिलकर बना होता है वो उसी में विच्छेदित होता है, यानी कि अपघटित हो जाता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म किए तो वो सोडियम कार्बोनेट H2 यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवा के बनाया गया था, तो वो उसी में अपघटित हो गया है। चौथा गुण इसका क्या है? अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एक अम्ल से अभिक्रिया करे, ये क्या है? HCl एक अम्ल है, क्योंकि इसमें H+ आयन उपस्थित है, ये जाहिर सी बात है एक अम्ल है। इससे अभिक्रिया किया तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना, H2O जल बना, और कौन सी गैस रिलीज हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट मैं आपको एक बार फिर से करूँगा, आपसे हिंदी में लिखने के लिए गुणधर्म नहीं आएंगे, रिएक्शन ही आएगा, इसलिए आप लोग रिएक्शन को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। अब उपयोग आप खुद से स्टडी करके बुक से लिखिएगा। अब फोर्थ यौगिक, चौथे यौगिक का नाम है धावन सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। इसे बनाने की विधि क्या है? सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट है उसे क्रिस्टलीकरण करने के लिए जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, तो वो Na2CO3 क्रिस्टलीकरण हो जाता है, वो धावन सोडा में प्राप्त होता है। इसका गुण क्या है? पहला गुण ये है कि अगर हम इसे धावन सोडा को खुला छोड़ दें, उसके जो H2O के 9 मॉलिक्यूल जो हैं वो शुष्क पड़ जाते हैं, यानी कि उड़ जाते हैं, और उसे अगर गर्म कर दे तो वो जो एक मॉलिक्यूल बचा होता है वो भी अलग हो जाता है, बच क्या जाता है? Na2CO3। इससे हमें क्या स्पष्ट होता है कि हम जैसे ही गर्म करते हैं या उष्मा करते हैं तो वो जिससे मिलकर बना होता है वो उसी में अपघटित हो जाता है। इसका दूसरा गुण क्या है? जल में इसका विलयन क्षारीय तथा चिकना होता है तथा इसे जल में घुलने पर उष्मा उत्पन्न होती है। सोडियम कार्बोनेट, आप लोग वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं वही है धावन सोडा, वही है सोडियम कार्बोनेट। जब इसका जल में आप उसे घोलते हैं, उसका जो जली विलयन है वो क्या करता है? वो थोड़ा सा छारी होता है, छारी ना होता तो कपड़ा साफ कैसा होता है? चिकना होता है, थोड़ा सा आपका हाथ फिसलता है या नहीं फिसलता है वो चिकना होता है, और ये जल में घुलने पर उष्मा उत्पन्न होती है। जब आप उसमें हाथ डालते हैं या वॉशिंग पाउडर को हाथ में लेकर उसमें पानी डालिएगा, हाथ पे देखिएगा, आपको थोड़ा सा हीट फील होगा, थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, तो वो क्या उत्पन्न होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। और ये अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि टेम्परेचर देने पे वो उसी में अपघटित हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर को हटाया जाता है, जैसे जिस प्रभाव के कारण अपघटित हुआ है उस प्रभाव को हटाने पर वो वापस वो अपनी अवस्था में आ जाता है। तीसरा गुण क्या है? यह अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तथा इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सोडियम कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, H2O बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। चौथा गुण इसका क्या है? बुझे चूने के साथ गर्म करने पर कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। जब सोडियम कार्बोनेट को हम बुझे हुए चूने के साथ यानी कास्टिक सोडा के साथ इसे गर्म करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक अवक्षेप प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और उपयोग आप खुद से स्टडी करके लिखिएगा और रिएक्शन अच्छी तरह से तैयार, एक एक रिएक्शन लर्न करिएगा। और बुक आप लोगों ने नहीं खरीदी है तो सब लोग बुक खरीद लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर पूछेंगे कहाँ से क्वेश्चन।